द्वारका विधानसभा में फिर लगेंगे 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी कोऑर्डिनेटर अमित कनौजिया ने फिर संभाली कैमरों की कमान। द्वारका में चोरों और मनचलों का फिर छूटेगा पसीना। राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा में बेशक विधायक और संगठन बदल गया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का मकसद एक है, क्षेत्रवासियों की सुरक्षा। इसलिए द्वारका विधानसभा में 2000 कैमरों के इंस्टॉलेशन का टेंडर पास हो चुका है। पार्टी नेता अमित कनौजिया की देखरेख में सभी क्षेत्रों का सर्वे किया जा चुका है। अब द्वारका को जल्द मिलेंगे 2000 नए सीसीटीवी कैमरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। द्वारका विधानसभा के गीतांजलि पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहां क्यों मौजूद हैं अब ये सुनिए। द्वारका विधानसभा में आदर्श शास्त्री के कार्यकाल में जब वो विधायक थे, 2000 सीसीटीवी कैमरे दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए थे, और अब दोबारा से जो है टेंडर पास किया गया है और 2000 से ज़्यादा और कैमरे यहाँ लगाने के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। अमित कनौजिया जी मेरे साथ हैं, उनके साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अमित कनौजिया जी, बता दें पहले भी इन्होंने ही कैमरे लगवाने का काम अपने खुद ही संभाला था, और इस बार भी इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि और कैमरे द्वारका विधानसभा में ये लगवाएं। अमित जी, क्या कहेंगे, कितने कैमरे लगने वाले हैं और इन दिनों जो है कैसे आप सर्वे करवा रहे हैं? धन्यवाद प्रवीण जी। 2000 कैमरे हमारे पहले लग चुके हैं, जिसका काम अभी पिछले साल दिसंबर में ख़त्म हो गया था, और केजरीवाल जी ने दोबारा से हमें 2000 कैमरे दिए हैं। केजरीवाल जी का, हमारे विधायक श्री विनय मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2000 कैमरे लगने से बहुत सारे केसेस सॉल्व कराने में बड़ी मदद मिली थी, जनता को बहुत आराम मिला था, पुलिस वालों को बहुत मदद मिली, और 2000 कैमरे जब और आ गए हमारे पास तो हमारी जनता और सुरक्षित महसूस करेगी। हमारे साथ क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ सुरेश सोनी जी हैं, हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी हैं, हमारे साथ चौहान जी हैं, और क्षेत्र के सभी तमाम लोग हमारे साथ हैं जो मिलकर सर्वे करवा रहे हैं। इसी प्रकार से हम पूरे विधानसभा में हमने 2000 कैमरों का लगभग सर्वे पूरा कर लिया है। आज हमारा लगातार 10वां दिन है, और SNR कंपनी हमारे साथ खड़ी है, उसकी टीम खड़ी हुई है जो सर्वे कर रही है। पहले भी जो टेंडर मिला था वो बेल कंपनी को मिला था, बेल कंपनी ने सर्वे का काम जो दिया है, इंस्टॉलेशन और सर्वे का काम दिया है SNR कंपनी को। SNR टीम के 3 से 4 टीमें हमारे साथ रोज रहती थी, हमने पूरी विधानसभा कवर कर ली है। अमित जी, इस बार जो कैमरे लगाए जाएंगे उसमें क्या पहले जैसे ही सब कुछ, या फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है सर्विसेज में, जैसे वाईफाई की भी बात चल रही थी, और जो जिनके घर पे लगेगा उनको भी जो है एक्सेस दी जाएगी? प्रवीण जी, मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा, पहले के कैमरों में, इन कैमरों में थोड़ा सा अंतर है। पहले के कैमरों के मुकाबले ज़्यादा एडवांस हैं, एडवांस तो वो भी थे, एडवांस ये भी है। उनमें चिप एक सिम सिस्टम था, इसमें जो है वाईफाई का एक राउटर लगा हुआ है, उस राउटर से एरिया में जो भी कैमरे लगे होंगे वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि पहले जो होता था कि कोई वारदात होती थी, उस कैमरे के नीचे जाना पड़ता था, हमें पर्टिकुलर कैमरे के नीचे जाना पड़ता था, उस बॉक्स के रेंज में जाना पड़ता था, मगर अब वो राउटर लगने की वजह से हम क्या है, बैठे बैठे पूरे क्षेत्र का, पूरे एरिया का कहीं पर भी देख सकते हैं हम, तो ये बेनिफिट मिला है हमें। और इसके अलावा तेज़ी से सर्वे हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली 1.5 महीने में, जो कंपनी ने कहा है, आज सर्वे ख़त्म हो जाएगा, आज और कल में सर्वे लास्ट हो जाएगा, तो 1.5 महीने में सर्वे हमारे कंप्लीट, इसके बाद कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमने चौक चौराहे लिए हैं, और ऐसे जगह लिए हैं जहाँ पर चोरी की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, चोरी ज़्यादा होती है, भीड़ ज़्यादा गुजरती है, ऐसे चौक चौराहे हमने ज़्यादा लिए हैं, और कोशिश की है पूरी विधानसभा को पूरी तरह से कैमरे से बिल्कुल लैस करने की। दिल्ली सरकार के सीसीटीवी प्रोजेक्ट से क्षेत्र की जनता खुश है, उनका मानना है कैमरे लगने के बाद चोरी की वारदातों में कमी आई है। पहले जो कैमरे लगे क्षेत्र के अंदर, उनसे हमारी चोरी की वारदातें, चैन स्नैचिंग, डकैती वगैरह जितनी भी वारदातें थी उसमें, उनको पकड़ने में बड़ा ही, मतलब कि हमें हेल्प मिली है, और काफ़ी वारदातें हमारी सॉल्व हुई हैं, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तहे दिल से आदरणीय केजरीवाल साहब का, और हमारे विधायक विनय मिश्रा जी का, जो क्षेत्र के अंदर ये कैमरे लगवा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। जितने भी कैमरे पहले लगे थे उससे यहाँ पे काफ़ी थी चैन चिपटी होती थी, चौराहे पे काफ़ी होते थे, बाइकें चोरी हो जाती थी खड़ी खड़ी, ये इसका रोकथाम हो गई है। अब जो एरिया रह गया था वो अब क्लियर कर रहे हैं, और हर एक जगह उम्मीद है कि हर जगह जो है कैमरे लगा दिए जाएंगे, पब्लिक को पूरी सुविधा मिल जाएगी। पिछले बार भी जो है आदर्श शास्त्री जी के टाइम पर हमने ये सर्वे कराया था, पॉइंट दिए थे,
और हमारे अमित भाई के अगुवाई में हमने सारा लगवाया था, लग गया वो, उससे फ़ायदा बहुत हुआ। एक तो जो है जो भी यहाँ पर जो है छोटी छोटी वारदातें होती थी, जैसे किडनेपी का, झपटमारी का वगैरह वगैरह, तो उसमें काफ़ी सहूलियत मिली हमारे जो है दिल्ली पुलिस को, और सभी लोग बहुत खुश हैं। बता दें, कुछ वर्ष पहले तत्कालीन विधायक आदर्श शास्त्री ने विधानसभा को 2000 से ज्यादा कैमरे दिए थे। उस वक्त भी इंस्टॉलेशन का कार्यभार अमित कनौजिया को सौंपा गया था। अब वर्तमान विधायक विनय मिश्रा के नेतृत्व में 2000 और कैमरों का टेंडर पास हुआ है, तो अमित कनौजिया को एक बार फिर इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मकान की हाइट देखनी पड़ती है सबसे पहले तो, कि पूरी गली दिखाई देगी या नहीं, ठीक है ना। और ये देखना पड़ता है कि सामने को केबल या खंभा ना आ जाए, बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए, ये सबसे पहले ये देखना होता है। और ओनर से इजाज़त लेनी होती है, बिजली का बिल लेना होता है, अच्छा, और इसके बारे में सारा बताना होता है। अच्छा, और अगर किसी ने बिजली का बिल भरा ही नहीं हो, लाल में हो, तब भी लग जाएगा? हाँ, लग जाएगा। कमर्शियल नहीं होना चाहिए, कमर्शियल नहीं होना चाहिए, प्राइवेट भी लगेगा जी। कमर्शियल ले रहे हैं? कमर्शियल भी लग रहा है? नहीं, वो महंगे वाला हो जाता है ना ज़्यादा। कमर्शियल पे लग रहा है? कमर्शियल पे लग रहा है सर, पहले भी लगा हुआ है कमर्शियल पे, लोगों को सब्सिडी मिल रही है 50 यूनिट, चाहे कमर्शियल पे लगाइए चाहे डोमेस्टिक पे लगाइए, 50 यूनिट की सब्सिडी मिलती है। तो इस तरह का देखिए, फॉर्म भरा जा रहा है, सर्वे चल रहा है द्वारका विधानसभा में, और 2000 और कैमरे लगाने का, 2000 प्लस कैमरे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है, सर्वे का काम आज और कल में पूरा हो जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं अमित जी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर जो बाकी कैमरे इंस्टॉल होने हैं वो हो जाएंगे, और ये पहले वाले कैमरों से थोड़े एडवांस होंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।